अमरजीत भगत के घर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है, आईटी का एक्शन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री के नजदीकियों के ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई की गई है और ये आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल घर की छत पर अमरजीत भगत नजर आए, आईटी की टीम ने मीडिया से बात करने से रोका है। चौहान बिल्डर समेत 47 ठिकानों पर छापे की पूरी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी भोपाल से रायपुर पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक रायपुर की तस्वीर, अमरजीत भगत एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अंबिकापुर में भी उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है, वहां की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरा दिन आज इस कार्रवाई का है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कई जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार आईटी की कार्रवाई है जारी है और आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अपने छत पर टहल रहे हैं लेकिन उन्हें बात करने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। कुछ देर पहले वो यहाँ पर आए जरूर थे, बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उन्हें फिर से ले जाया गया है और कई ठिकानों पर लगातार कार्रवाई है वो जारी है। हालांकि अभी आईटी की जो टीम है उसने किसी तरह का ये खुलासा नहीं किया है कि किस तरह की संपत्ति मिली है, कितने की जो संपत्ति है वो मिला है, इसका खुलासा तो फिलहाल अभी जो आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी लगातार कार्रवाई है वो जारी है। रायगढ़ में भी जो उनके पूर्व ओएसडी हैं उनके ठिकाने पर और उनके जो मातहत जो कर्मचारी जो काम करते रहे हैं उनके ठिकानों पर जो कार्रवाई है अभी जारी है। लगभग 36 घंटा से भी अधिक समय का वक्त हो चुका है और कार्रवाई अभी भी जारी है। अमरजीत भगत इशारों में ज़रूर बात कर रहे हैं लेकिन अभी फिलहाल कोई डिटेल नहीं आया है कि आईटी की छापा में किस तरह के जो संपत्ति मिले हैं या रकम मिला है, लेकिन अभी कार्रवाई सतत जारी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।